सोलन में पुलिस विभाग की क्राइम मीटिंग का आयोजन पुलिस लाइन सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक सोलन मोहित चावला ने की। बैठक में जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित जिले के अन्य पुलिस अधिकारी, थाने के SHO और चौकी प्रभारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान जिले में बढ़ती यातायात दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बढ़ती हुई दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना व चौकी प्रभारियों को रात्रि के समय नाका व दिन को भी नाके लगाने के निर्देश दिए गए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सोलन पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने बताया कि क्राइम बैठक में पूर्व पुलिस कर्मचारियों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी थाना चौकियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राथमिकता के आधार पर सभी मामलों का निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि सोलन में यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए योजनाएं बनाई गई। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस कड़े कदम उठा रही है, जिसे और अधिक प्रभावी बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। वोटिंग की फर्स्ट फेज खत्म हुई है हमारे स्टेट में, और EVM की सुरक्षा, इसके ऊपर भी इनको डायरेक्शंस दी गई हैं। वो जो इलेक्शन ECI की डायरेक्शंस हैं उसको मेटिकुलसली फॉलो किया जा रहा है। एक इनको डायरेक्शन दी गई है, कोई भी थाना चौकी में जो हम PC कहते हैं, पुलिस कंप्लेंट्स आए, उसको टाइम बाउंड मैनर से निकालें, और अगर उसमें कोई केस रजिस्ट्रेशन है विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम उसमें केस रजिस्टर किया जाए। महिलाओं की सुरक्षा जो हमारा शुरू से हमारा टारगेट रहता है उसके ऊपर डिस्कशन की गई। ट्रैफिक व्यवस्था, क्योंकि अब हम फोकस करेंगे कि जो सिटी का ट्रैफिक है उसके लिए जो अल्टरनेट रूट्स या कोई भी हमें अदर मैकेनिज्म्स और सजेशंस जो हैं, इसमें जो DSP ट्रैफिक हैं उन्होंने स्ट्रेस देकर सबको डायरेक्शन दी कि अपनी सजेशंस दें और ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकें।